अब हल्दीराम के छोले भटूरे खाने के लिए 200-250 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब घर पे भी हम सेम टेस्ट का हल्दीराम का छोला भटूरा बना सकते हैं। तो चलिए, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनिका किचन में। मैं हूँ श्वेता और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ छोले भटूरे की रेसिपी। छोला भटूरा हम बिल्कुल हल्दीराम के स्टाइल में बनाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हल्दीराम के छोले भटूरे में ऐसा क्या है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हल्दीराम का छोला भटूरा इतना स्पेशल क्यों होता है। चलिए हम अपना वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए मैंने काबुली चना को रात भर पानी में भिंगो के रखा था। इसको अच्छे से धो के इसके बाद मैं इसे कुकर में डाल लूँगी। इसमें ऐड कर लेंगे हम एक आलू। आलू को मैंने छिलका उतार लिया है और छोटे पीसेस में काट लिए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी 1/2 ग्लास के लगभग पानी। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ चाय पत्ती का पानी। चाय पत्ती के पानी से बहुत ही अच्छा सा कलर आता है। साथ में मैं डाल रही हूँ नमक और एक चुटकी के लगभग मैं इसमें सोडा डालूँगी और 1 चम्मच घी डाल के आप इसे बंद करके 3 सीटी लगा लें। जब तक हमारा छोला रेडी होता है तब तक मैं उसके लिए कुछ मसाले रेडी कर लेती हूँ। ग्रेवी के लिए मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और कुछ खड़े मसाले का इस्तेमाल किया है। साथ में मैंने धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और थोड़े से काले नमक का इस्तेमाल किया है। 1/2 चम्मच के लगभग काला नमक ली हूँ और 1/2 चम्मच के लगभग मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। टमाटर, अदरक, लहसुन, हरा मिर्च और ये खड़े मसाले मैं साथ में ग्रेट कर लूँगी। मिक्सी जार में रख के इसे पीस लूँगी। इससे अच्छा सा ग्रेवी बन के तैयार होगा, क्योंकि छोले भटूरे का छोला गाढ़ा होता है तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। जब भी आप हल्दीराम के छोले भटूरे खाते हैं तो उसका अलग सा टेस्ट आता है। मेन कारण रहता है उसका घी उसमें डाला हुआ रहता है। चलिए अब हम रेडी कर लेते हैं अपने भटूरे के लिए आटा। यहाँ पे मैंने 4 कप के लगभग मैदा लिया है। इसमें 1 चम्मच के लगभग मैं नमक डालूँगी, 1/2 चम्मच के लगभग चीनी डालूँगी, 1 चुटकी के लगभग मैंने सोडा डाल लिया है। इसमें 2 चम्मच के लगभग मैं सूजी डाल रही हूँ। ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मिक्सी जार में उसे चला के इस्तेमाल करें। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच के लगभग घी। घी से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, तो सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे घी ही ऐड करें। और 3 बड़े चम्मच मैं दही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये रूम टेम्परेचर पे दही है और बिल्कुल ताज़ा दही का इस्तेमाल करें। ये इंस्टेंट छोले भटूरे की रेसिपी है, तो इसे छोले भटूरे को कम से कम 1 घंटा के लिए रिस्क तो आप करनी ही दे। जब तक आप छोले बनाओगे तब तक आप ये अपना आटा लगा के रख दो। 1 घंटा आपका अगर आटा रेस्ट कर लेगा तो आपके भटूरे सॉफ्ट बनेंगे। इसे मैंने पानी डाल के अच्छे से गूँथ लिया है। थोड़ा सा इसे गीला ही हम गूँथते हैं, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूँथते हैं उससे थोड़ा सा गीला ये रहता है। अब इसे मैं प्लेटफॉर्म पे पटक पटक के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये जितना अच्छा से मिला हुआ रहेगा उतना ही सॉफ्ट बनेंगे आपके भटूरे। आप भी इसी तरह से इसे पटक पटक के इसको मसल के तैयार कर ले। ये भटूरे बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, पर कोई बात नहीं, जब बना के आप खाओगे तो बहुत ही खुशी मिलेगी कि अपने हाथ का छोला भटूरा आप खा रहे हैं। चलिए इस पे मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है, रिफाइंड ऑयल लगाया है मैंने, और इस तरह से मैं इसके पीसेस काट लूँगी। आप भी इसी तरह से भटूरे के लिए लोई अलग करें, बीच से इसे नहीं तोड़े, हाथ के बीच से ऐसे ही आप इसे निकाल के रखें। इन सबको गोल करके एक गीले टॉवल से इसको ढक के 10 मिनट के लिए
साइड में कर दे। अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा जरूर रेस्ट करने दे। जब तक आपके छोले बन रहे तब तक आप उसे ज़रूर रेस्ट करने दे। चलिए छोला हमारा रेडी हो रहा है। कढ़ाई में मैंने 4 चम्मच के लगभग सरसों तेल लिया है और 1 चम्मच के लगभग मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से हम कलर आने तक भूनेंगे। जब आप हल्दीराम के छोले भटूरे खाते हैं तो उसमें घी का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए जब आप छोले बनाओ तो कुकर में जब आप छोले की सीटी लगा रहे हैं तो 1 चम्मच के लगभग उसमें घी डाल दें, इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है। चलिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, सारे मसाले हम इसमें डाल लेंगे, इसीलिए मैंने पहले से ही सारे मसाले रेडी करके रखे हैं ताकि हम आसानी से तेल में इसे डाल के इसे पका सकें। एक एक करके आप मसाले डालोगे तो आपके मसाले जलने लगते हैं, इसीलिए पहले से ही इसी तरह से मसाले आप रेडी करके रख लें। अब इसमें हम टमाटर का प्यूरी ऐड कर रहे हैं। टमाटर के साथ साथ इसमें अदरक लहसुन हरा मिर्च और कुछ खड़े मसाले को भी मैंने पीस के लिया था, उससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा आपके छोले में। थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब इसे अच्छे से पकाएंगे, पर इसे हम ढक के पकाएंगे। मसाले को ढक के पकाने से उसका खुशबू बरकरार रहता है। ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आ गया है छोले का, सॉरी मसाले का। इसे हम चला लेते हैं अच्छे से। छोले भटूरे का छोला थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, ठंडा होने के बाद वो और गाढ़ा हो जाता है। इसमें मैंने 1 चम्मच के लगभग कस्तूरी मेथी ऐड किया है। कस्तूरी मेथी को मैंने तावे पे पहले रोस्ट कर लिया था, इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम अपना छोला ऐड कर लेंगे क्योंकि मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। मैंने इसमें छोला ऐड कर लिया है। इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ढक के इसे हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट बाद इसका हम चेक करेंगे कि कैसा कलर आया है। ये देखिए 10 मिनट बाद इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। गैस अब हम बंद करके 10 से 15 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। आप इस स्टेज पे 1 चम्मच घी इसमें डाल दें। ये देखिए 10 मिनट बाद मैं आपको छोले दिखा रही हूँ। एक बर्तन में मैं इसे निकाल रही हूँ। ये ठंडा होने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने आलू का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच के लगभग मैंने इसमें बटर डाल दिया है और प्याज के लच्छे से मैं इसे गार्निश करूँगी। कुछ टमाटर के पीसेस मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ये बस ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो ऐसा करें वरना कोई बात नहीं। चलिए भटूरे बना लेते हैं हम। ये देखिए हमारे भटूरे का मैदा कितना सॉफ्ट हो चुका है। प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा आटा इस तरह से आप छिड़क ले ताकि जब आप भटूरे बेलें तो आपके भटूरे चिपके नहीं प्लेटफॉर्म में। ये देखिए हमने भटूरे बेल लिए हैं। इसे कढ़ाई में डालते हैं क्योंकि कढ़ाई में मैंने तेल डाल के ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। इसे थोड़ा सा प्रेस करके नीचे कर लिया है मैंने, ये चिपक गए थे पहले ही इसमें। ये देखिए कितना खूबसूरत सा फूला हुआ भटूरा बना है हमारा। इसे भटूरे को आप जितना टाइम रेस्ट करने के लिए डो को दीजिएगा उतना ही अच्छा भटूरा बनेगा। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था फिर भी हमारे भटूरे बहुत अच्छे बने हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे भटूरे को तल लेंगे। एक पीस और मैं तैयार करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए चलिए हम प्लेट लगा लेते हैं। 2 भटूरे मैंने तल लिए हैं और आपको प्लेट लगा के दिखा रही हूँ। कुछ लच्छे प्याज टमाटर और नींबू के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। अभी छोले हमारे गर्म हैं, थोड़े ठंडे होंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। मैं बस आपको वीडियो के लिए दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा हमारा छोला भटूरा बनके रेडी हुआ है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कर लें।